दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक करके मेरे स्टोर पे आ सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पे आप लोग जो भी आपको परचेस करना है उसको आप परचेस कर सकते हो, बस आपको जो पेमेंट है वो पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेना। Hey guys, this is Shyam and you're watching Technical Shyam YouTube channel. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 8 इंची का बूफर है जिसे हम रिपेयर करने वाले हैं। गाइज इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हो कैसा है। तो इसका जो पर्दा है वो फट चुका है, ये देख सकते हैं गाइज। ठीक है, तो और गाइज इसका जो कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है। आप कैसे पता कर सकते हैं कॉइल ठीक है या नहीं? यहाँ पे जस्ट आपको बैटरी के 2 वायर टच करने हैं और यहाँ से आपको आवाज आएगी, इसका मतलब जो हमारा स्पीकर का कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या परचेस करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपकी कॉइल ठीक है तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक पर्दा है जो कि स्पीकर का है, उसके ऊपर की डस्ट कैप है, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही एक स्पाइडर है। अगर आपकी कॉइल भी खराब है तो आपको कॉइल भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको कॉइल खरीदना है तो सबसे पहले आपको अपने स्पीकर का कॉइल निकाल करके वहां ले जा करके दिखाना होगा किस साइज की कॉइल है, तब जा करके ही आपको कॉइल मिल पाएगी। ठीक है, तो गाइज ये मेरे को आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो पर्दा है इसको हम रिप्लेस करेंगे, इससे हटाएंगे, और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना जिसकी मदद से आप पूरा सीख जाओगे कि कैसे आप अपने घर पे ही किसी भी बूफर या फिर स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना जिससे कि आगे लोगों को भी फायदा हो सके। तो चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस पर्दे को निकाल लेंगे, तो इसके पर्दे के ऊपर का जो ये एरिया है इसको हम हटा लेते हैं, तो ये हमारा काम आ जाएगा अगर टूटता नहीं है तो। ठीक है, अगर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसको आसानी से आप लोगों को जो है निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको आराम से करना है जिससे कि हमारा जो प्लास्टिक का एरिया है वो टूटे नहीं। और गाइज एक और बात, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा मैं फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो जो सोल्यूशन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से मैं इसे रिप्लेस कर लेता हूँ, मतलब हटा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका ऊपर का जो कवर था वो पूरा निकाल दिया है, और गाइज इसे निकालने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइज यहाँ पे जो भी उसके पार्ट्स रह जाएंगे उसे भी आपको रब करके हटा लेना है। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरा पर्दा लगाएंगे तो वो सही से चिपकेगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे रब कर लेना है, घिस लेना है सही तरीके से। अभी भी थोड़ा बहुत रह रहा है लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको साफ कर लेना है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइज इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी जो कॉइल है वो बिल्कुल स्मूथली वर्क करनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और कॉइल कैसे फिट करनी है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहना। तो गाइज यहाँ पे कॉइल देखिए, ये रही गाइज इसी की कॉइल है जो पहले से इसके अंदर लगी हुई थी, और गाइज इसके जो वायर्स थे ये छोटे हो गए थे, तो मैंने इसका जो एक राउंड है वो निकाल करके इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और बीच में जो है पेपर से यहाँ पे मार्क कर दिया, मतलब चिपका दिया। अब गाइज ये हमारा वायर भी लंबा हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइज मैं आपको बताता हूँ कॉइल को कैसे फिट करना है, ध्यान रखना, ध्यान से देखना। गाइज ये जो कॉइल है ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर की साइड होनी चाहिए, इसका जो कॉपर वाला एरिया है वो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की साइड होना चाहिए। इसे फिट कैसे करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइज ये हमारा स्पाइडर है, तो स्पाइडर को कुछ इस तरीके से हम इस पर लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉइल को फिक्स कर लिया है, और गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कॉइल का जो थोड़ा सा कॉपर वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड है, और गाइज कॉइल को आपको बिल्कुल सेंटर में लगाना है जिससे कि जब ये मूव करे तो स्मूथली मूव करे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के जो पतले वाले गत्ते होते हैं वो एक अंदर से एक बाहर से, एक अंदर से एक बाहर से लगा दिया जिससे कि ये बिल्कुल सेंटर में हो सके। ठीक है, अब गाइज हमें इसके ऊपर स्पाइडर लगाना है, तो स्पाइडर को भी आपको थोड़ा अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, मैंने ज़्यादा कार्डबोर्ड का बड़ा टुकड़ा लगा दिया यहाँ पे, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे करके लगा लेता हूँ और जो अंदर कॉइल के वायर से उसको ऊपर निकाल लेता हूँ। गाइज अब हम यहाँ पे फेविकॉल या फिर सोल्यूशन कुछ भी जो भी हो आपके पास वो लगा लेते हैं, फिर इसको पूरा फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसे पहले लगा लेता हूँ।
सकते हैं हमने जो हमारा स्पाइडर है उसे चिपका लिया है। अब गाइस हमें वेट करना होगा ठीक है इसके सूखने का, और जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद जो इसका ये है उसे हम निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले स्पाइडर का ये फ्रंट वाला एरिया भी हमें चिपका लेना है। अब हम इसे सही से चिपका लेंगे। ठीक है अब इसको करने के बाद ये जो हमारा कोन है इसका जो होल है वो कम है तो हमें इसके बराबर इसका होल करना पड़ेगा। फिर हम इसे लगाएंगे और इसके जो दो वायर्स है वो यहाँ ला करके लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो होल था वो मैंने बड़ा कर दिया। अब इसे हमें इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा लेना है, जो इसके अंदर वाले वायर से उसको भी आपको बाहर निकाल के रखना है ठीक है। तो ये देखिए मैं लगा ले रहा हूँ इसे। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा लग गया है। अब हमें क्या करना है जो हमारा ये साइड का हिस्सा है इससे अब हमें चिपकाना है ठीक है। तो इसे हम चिपका लेंगे जल्दी से ठीक है। तो ये है हमारे पास चिपकाने के लिए, तो जल्दी से इसे हम चिपका लेते हैं। मैंने जो है यहाँ चिपका लिया है। अब इसको थोड़ा सा आपको सूखने देना है ठीक है, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक सही से फिक्स नहीं होगा। तो इसको आपको सूखने देना है, तो वेट करते हैं इसके सूखने का। दोस्तों पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हुआ था जिस वजह से जो वीडियो में मैंने आप लोगों को वायरिंग करना बताया था स्पीकर का वॉइस कॉल से वो वीडियो डिलीट हो गई। बाकी गाइस कनेक्शन काफ़ी आसान है, वॉइस कॉल से जो दो वायर निकल रहे हैं उस दो वायर को जो स्पीकर के लिए वायर्स आते हैं आपने देखे होंगे जो गोल्डन कलर के होते हैं वो इसी में से निकला हुआ था। तो उसी जो इसके अंदर था वही वायर को मैंने यहाँ यूज़ में लिया और वॉइस कॉल के दो वायर से जोड़ करके कोन में होल करके और डायरेक्ट मैंने स्पीकर का जो पॉइंट होता है वहाँ पर सोल्ड कर दिया। अब आप इसका साउंड टेस्ट जो है वो सुन सकते हैं।